piden la partita a la gente al piacere. Se ne viste a cambiare, arrivano a parte un po' di mangiare. Se ci sono anche voi, se ha cercato che vorreste mantenere il sindaco di Adolfo, ha cercato che mantenere, se riesce di trovare, se anche va di Adolfo, se non avete per lì, 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 se non avete Jete Davi, Sita Ramji Pande, and this Samadhi Baudhu, there is Savi Samadhi Baudhu, Yom Kaya. Aaj hum sabhi log Meer Kuwar Singh, ka 107वां विजयोत्सव समारोह मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह विजयोत्सव समारोह वीर कुंवर सिंह का केवल बिहार में नहीं मनाया जा रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी वीर कुंवर सिंह का यह विजयोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। वीर कुंवर सिंह के संबंध में बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इस बिहार की धरती पर बहुत सारे सूरवीर और महावीर पैदा हुए हैं, समय समय पर उन्होंने अपनी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बिहार को नेतृत्व देते हुए और सचमुच उस स्वतंत्रता संग्राम को धार देने का काम किसी ने किया था तो उस महापुरुष का नाम है वीर कुंवर सिंह, जिनकी कि हमें तो साधु विजयोत्सव समारोह मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए। आप सभी जानते हैं वही समय जब मंगल पांडे जैसे एक नौजवान ने एक चिंगारी पैदा की और उस चिंगारी को शोरों में बदलने का काम यदि किया है तो वीर कुंवर सिंह जैसे बहादुर वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया है। लोग कभी कभी कहते थे 1857 में जो भी जमींदार लड़ रहे थे अपनी रियासत को बचाने के लिए और अपनी जमींदारी को बचाने के लिए लड़ रहे थे। बहनों भाइयों, यह भ्रम पैदा करने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि वीर कुंवर सिंह जी अपनी केवल जगदीशपुर की रियासत को जमींदारी को बचाने के लिए लड़ रहे होते तो उनका यह संघर्ष केवल जगदीशपुर तक ही सीमित रहता हुआ बाहर न जाता, लेकिन वीर कुंवर सिंह केवल जगदीशपुर रियासत की लड़ाई नहीं लड़े हैं बल्कि भारत की धरती की आन बान शान को बचाने के लिए उन्होंने उस समय संघर्ष किया। और मैं यह भी कहना चाहूं वह केवल जगदीशपुर को बचाने के लिए भी नहीं लड़ रहे बल्कि सचमुच जो भारत जगत गुरु के पद पर आसीन था उसी जगत गुरु के पद पर आसीन भारत को पुनः आजादी हासिल हो, इसलिए वीर कुंवर सिंह संघर्ष करते हैं और अंतिम सांस भी उन्होंने संघर्ष करते ही ली है। यह भी कभी किसी से छिपी नहीं है। वीर कुंवर सिंह के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। किसानों के प्रति उनका कितना बड़ा प्रेम था इस संबंध में बहुत सारे वक्ताओं ने आपसे चर्चा की होगी। रियासत पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था, सामान्यतः जब किसी रियासत पर किसी भी शासन अथवा हुकूमत पर जब कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है तब उस समय लोग अपनी जनता के ऊपर अपनी प्रजा के ऊपर टैक्स लगाते हैं, लेकिन उस समय लोगों ने सुझाव दिया वीर कुंवर सिंह को कि आपके राज्य के ऊपर आपके रियासत के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, खजाना खाली हो गया है, बेहतर यह होगा यदि आप अपनी लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं तो किसानों के ऊपर कुछ टैक्स लगा देना चाहिए। तो उस समय वीर कुंवर सिंह ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए भले ही हमारी रियासत बिक क्यों न जाए लेकिन अपने रियासत के किसानों के ऊपर मैं कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, कोई कर नहीं लगाऊंगा। एक ऐसी शख्सियत वीर कुंवर सिंह
और मैं बहनों भाइयों यह भी बताना चाहता हूं, चाहे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे उसकी बात की या लड़ाइयां रही हो, हर आंदोलन को धार मिली है, हर आंदोलन को तेजी मिली है। तो उस समय जब वहां का किसान उठ खड़ा हुआ है तब उसमें तेजी आई है, उस आंदोलन में धार आई है। किसान की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1857 में किसी न किसी हद तक इस देश के किसानों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद 1916 जबकि कांग्रेस का महाधिवेशन लखनऊ में हो रहा था, इसी चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने जाकर चंपारण के किसानों की करुण गाथा को जब कांग्रेस के महाधिवेशन में सुनाया और गांधी जी से यह अपील किया था कि गांधी जी इस समय चंपारण के किसानों के हालात बद से बदतर हो गए हैं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, उनका आंदोलन चल रहा है, उनके आंदोलन को धार देने के लिए आपको भी चंपारण चलना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी थी। और बहनों भाइयों आप इस बात के साक्षी हैं कि किस चंपारण का अभी यह शताब्दी वर्ष समाप्त हुआ है हाल में ही, जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे तो उस अपने असहयोग और सत्याग्रह के माध्यम से चंपारण के आंदोलन को धार देने का काम, तेजी देने का काम यदि किसी ने किया था महात्मा गांधी ने किया था। और उसके परिणाम स्वरूप उस समय उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अंग्रेजों को अपनी हार माननी पड़ी थी। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी हिंदुस्तान के किसान ने करवट बदली है, हुंकार किया है, तब व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। यह किसान की एक हैसियत है। और उसके बाद आप सभी जानते हैं 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ था, ठीक 25 साल के बाद 1942 आ गया, एक नई ऊर्जा का संचार उस चंपारण आंदोलन से ही हो गया था सारे देश भर में। 25 वर्षों में यही ऊर्जा बढ़ते बढ़ते हर इंसान के, हर भारतवासी के चित्त में बैठ गई थी और दिल में एक जज्बा और जोश पैदा कर दिया था। और इसको देखते हुए उस समय के हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी ने भी 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। कैसा संकल्प लिया हमारे हिंदुस्तान के बहनों भाइयों ने, ज्यादा समय नहीं गुजरा, 5 वर्ष गुजरते ही बहनों भाइयों 47 आते आते हमारा और आपका यह भारत पूरी तरह से आजाद हो गया। भारत तो आजाद हो गया है लेकिन भारत की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी, और भारत को एक सशक्त भारत, भारत को एक स्वाभिमानी भारत और भारत को एक स्वावलंबी भारत बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मैं अपील करना चाहता हूं अपने बिहार के सभी बहनों भाइयों से, वीर कुंवर सिंह को यदि आप अपना आदर्श मानते हो और आज के अवसर पर उनका विजयोत्सव समारोह मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हो तो मत भूलो 80 साल की उम्र थी वीर कुंवर सिंह की, वह कौन सा जज्बा था वीर कुंवर सिंह के अंदर जिसने की 80 साल के उम्र में अंग्रेजों से जंग छेड़ देने का काम, उनको शिकस्त देने का एक जज्बा उनके अंदर यह कैसे पैदा हुआ। 80 साल की उम्र थी, 18 साल के नौजवान का जोश और जज्बा यह वीर कुंवर सिंह के अंदर, वह इसलिए था एक प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना वीर कुंवर सिंह के अंदर थी। और आप जानते हैं, बिहार के लोग कुछ ज्यादा जानते हैं कि बहनों भाइयों इंसान के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है, मान सम्मान और स्वाभिमान यह सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य अपनी जिंदगी में हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन स्वाभिमान से कभी वह समझौता नहीं कर सकता है, कभी समझौता नहीं कर सकता। आप यदि रास्ते जा रहे हो, सड़क पर जा रहे हो, कोई आपको गाली दे दे, आपका स्वाभिमान जागरूकता है और आप उसके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम व्यक्तिगत स्वाभिमान कहते हैं। जब आप बिहार छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में चले जाते हैं, मुंबई चले जाओ और बिहार राज्य के लोगों को
यानी संबोधित करते हुए कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो आप उसके साथ लड़ने के लिए दोनों हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि पूरे बिहारियों को कैसे इसने गाली दे दिया, कैसे बिहारियों का इसने अपमान कर दिया। उस समय जो आपका स्वाभिमान जागृत होता है वह राज्य का स्वाभिमान जागृत होता है, समाज का स्वाभिमान जागृत होता है, उसके साथ लड़ने को आप तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे देश की सीमाओं पर यानी विदेशी ताकतें आंख उठाकर देखने की जरूरत करती हैं। हमारा यह हिन्दुस्तान अपने सारे भेदभावों को भुलाकर ये एक चुप होकर जब उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है, उस समय देशवासियों के अंदर जो स्वाभिमान की भावना पैदा होती है बहनों भाइयों, उसे ही हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। और मैं याद दिलाना चाहूं, मन भूलो आज वीर भर सिंह के इस दिनोत्सव समारोह के अवसर पर चंद्रशेखर आजाद को 26 साल की जवानी थी और इसी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज को दुश्मनों घुलते घुलते रिवाल्वर में जब अंतिम गोली से बची। स्वाभिमानी राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग देने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी कई गाथाएं हैं, किन गाथाओं की मैं चर्चा करूं। मनुष्य के हृदय की सबसे प्रखर भावना होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। और मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, आज इस दिनोत्सव समारोह के माध्यम से समस्त देशवासियों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत की सामाजिक समस्या को पार पार कर देना चाहती है, भारत को कमजोर करना चाहती है। आपको लगता होगा, दूसरे लोगों को लगता होगा, यह नेता है हमारी जात की बात कर रहा है, हमारे वर्ग की बात कर रहा है, हमारे मजहब की बात कर रहा है। मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, वह आपका मैं भला कर रहा है अथवा चाहे जिस भी जाति अथवा मजहब का वह नेता उस जाति और मजहब का वह भला नहीं कर रहा। इतिहास उठाकर देखो, चाहे वीर भगत सिंह रहे हो, चाहे वह राणा प्रताप रहे हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हो, बहनों भाइयों, सारे लोगों ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर भारत के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। इस अभी क्या यह कर रहे हैं? भारत को यह तोड़ना चाहते हैं, भारत के एकता और अखंडता को तार तार कर देना चाहते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, आज हमारे देश का सेना का जवान, सुरक्षा का जवान अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है और यहां आप अपने सामाजिक समरसता की सुरक्षा नहीं कर रहे। देश नहीं रहेगा बहनों भाइयों जिनको गुलाम बनकर जिंदगी जीने का मैं मौज आता हो, मजा आता हो जीने, लेकिन हम सभी स्वाभिमानी लोग गुलाम बनकर जिंदगी नहीं जी सकते। यह स्वाभिमानी भारत है, स्वावलंबी है। इसीलिए भारत को जब मैं कहता हूं, भारत को मैं केवल विकसित भारत बनाने की बात नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं हम भारत को विकसित भारत भी बनाएंगे तो हम भारत को स्वाभिमानी भारत भी बनाएंगे और स्वावलंबी भी भारत बनाएंगे। और जो समाज स्वाभिमानी नहीं, जो समाज स्वाभिमानी नहीं है, कहो भाई, लंबे समय तक वो जिंदा नहीं रह सकता। मैं सभी नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं, हकीकत को समझिए, ये लोग कहां देश को ले जाना चाहते हैं। कोई कहता है राजनीति जिनको करनी हो राजनीति करें, बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति करने। हम भी किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर अनाप शनाप कभी आरोप नहीं लगाते। कोई कहता है आज जो सरकार है केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछड़ों के लिए काम नहीं कर रही है, दलितों के लिए काम नहीं कर रही है, उनके लिए उस मजहब के लिए काम नहीं कर रही, उस मजहब के लिए काम नहीं कर रही, किसने किया?
तब परवाचों का समय तो मिलेगा। और मैं आज इस मंच से जाहिर कर देना चाहता हूं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है बहनों भाई, शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ था इस सरकार का, नरेंद्र भाई मोदी के शपथ लेने के बाद मैंने शपथ ली थी, हम दोनों बगल व्यक्ति, मैं उनके बगल में बैठा था। वहां से उठने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने से जब पूछा हमारे प्रेस के दोस्तों ने, प्रधानमंत्री जी अभी अभी आपकी सरकार ने शपथ ली, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तो जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहना चाहता हूं जिस सरकार की हमने शपथ ली है वह सरकार हमारी इस हिंदुस्तान के गरीबों के लिए समर्पित है। यह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। क्यों कहा? कुछ लोग यह नफरत पैदा करेंगे भाई, केवल गरीबों की चिंता करते हैं, जो बहुत पीछे छूट रहे हैं उनकी चिंता करते हैं, इस आधार पर भी नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है और अलगाववाद पैदा करने की कोशिश की जाती है। मेरे बहनों भाइयों, क्या यह सच नहीं है? आपके शरीर का एक अंग भी कमजोर रहेगा तो आप स्वस्थ नहीं कहेंगे। आपके दोनों हाथों में कभी एक हाथ में दबाव आ जाए तो आपका शरीर स्वस्थ शरीर नहीं कहा जाएगा, आपकी सेहत ठीक नहीं मानी जाएगी। भारत पूरे समाज में यदि कोई भी समाज कमजोर रह जाएगा तो हम किस भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं वो हमारा सशक्त भारत बनाने का स्वप्न भी कभी साकार नहीं हो पाएगा। यही सोच है जो कहती है हमारी सरकार गरीबों को। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा देश ताकतवर है? आप देख रहे हैं लोग कैसे हमारे देश को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है? भारत नहीं, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात गलत हो आप अखबार के पन्नों पर लिख दीजिएगा, राजनाथ सिंह आए थे झूठ बोलकर गए हैं, जनता को उतरा कर गए, हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जिंदगी में मैंने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है दोस्तों, जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति की है। क्या कर रहे हैं? भारत को तोड़ देना चाहते हैं, हमारा सेना का जवान सुरक्षा का जवान बटन खोलकर, वह भी हमारा ही भाई है, वह हमें आप ही का बेटा है, वह सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, देश की सुरक्षा, यह सुरक्षा भी जवान कर रहे हैं और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि हम ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा धनवान है तो हमको ज्यादा उदार भी होना चाहिए? इस हकीकत को हमको समझना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं हिंदू मुसलमान के नाम पर भी देश को बांटो मत मेरे बहनों भाई, मत बोलो। चंद्रशेखर आजाद सरदार भगत सिंह ने भारत माता की पैरों में पड़ी दास माँ बेटियों को काटने के लिए अपना बलिदान दिया है, बस अब्दुल्ला खान ने भी अपना बलिदान दिया है पैरों। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा अशफाकुल्ला जवान हो गया है, शादी कर लो, बहू ला, वो ही हो गई, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। अशफाकुल्ला के दिल में आजादी हासिल करने की दीवानगी, मुस्कराकर मां के आग्रह को टाल देता, लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा बोलो अशफाकुल्ला तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत और अशफाकुल्ला माने राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला माने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होकर कहा, है मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या सवाल हुआ? पागल हो गया, कहां है वो लड़की? जिस लड़की के साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर शादी रचाने जा रहे हो,
भादो और साहूला खान ने कहा मेरे कहने भाई, ऐ मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए। क्या तुझे दिखाई नहीं देता मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, वही हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी कर रहा हूं। कब जाकर आजादी मिली है? तो मत मेरे बहनों, साथ मिलकर मैं कहीं ऐसी नहीं रहता था। गलत सभी जगह होते हैं, कुछ अच्छे भी सभी जगह होते हैं गलत, लेकिन एक दो चार कोई गलत हो गया उसके कारण किसी जाति को किसी कौम को ही गलत मान दिया गया, यह कहां का इंसाफ है? परमात्मा ने इंसान हमको बनाया है तो जिंदगी में इंसाफ करने के लिए हमको इंसान बनाया है। बहनों भाइयों, इंसाफ करने के लिए, पाप करने के लिए भगवान ने हमको इंसान नहीं बनाया, इस हकीकत को आप समझ। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख रहे हो पाकिस्तान से पड़ोसी देश है, बराबर हमारा सेना आ रहा है, लड़ रहा है, हमारा पड़ोसी देश बराबर आतंकवादियों को भेजकर भारत को अस्थिर करना चाहता, भारत को तोड़ना चाहता, लेकिन हमारे मुहतोड़ जवाब दे रहे हैं हमारे सेना और सुरक्षा के जवान, मुहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और यकीन रखन करना, जब वो उधर बलिदान दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, तो हमारी आपस में यह जो क्रोह आपस की लड़ाई है बंद होनी चाहिए, सामाजिक समरसता पर आंच नहीं आनी चाहिए, भाईचारे पर आंच नहीं आनी चाहिए। और मैं कह देना चाहता हूं, अंत्योदय भारत को जब हम ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं तो नीचे बैठे हुए व्यक्ति को भी हमको ताकतवर बनाना होगा, बीच में भी जो बैठा है उसको भी हमको ताकतवर बनाना होगा। इसीलिए हमारी पार्टी ने भी कहा है, अंत्योदय हमारा पथ भी है, अंत्योदय हमारा पाथेय भी है, और अंत्योदय हमारा प्रण भी है। मेरे बहनों भाइयों, हम नीचे वालों को ऊपर उठा कर बन देंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। कहीं भाई पाकिस्तान उसे कुछ करना रहता है, चिंता मत करो, आएंगे रात। इतना ही कहकर जा रहा हूं इसके लिए अवसर समारोह के अवसर पर, चाहे लोग कितना भी गुमराह के अवसर, याद रखना दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती है बहनों भाइयों, और किसी भी सूरत में भारतवासियों का मस्तक हम लोग झुकने नहीं देंगे। बहनों भाइयों, आपको भरोसा दिला कर किसी भी सूरत में नहीं, खिलवाड़ सितंबर 2014 में नहीं भूल सकता। मैंने देखा कि पाकिस्तान ने उधर से चलाई गोलियां, हमारे पांच जो सीमा पर रहने वाले भारतवासी थे, मासूम बच्चे भी बीमार हैं, मैंने उसी दिन आदेश दे दिया, स्टैंडिंग आदेश दे दिया, भाई पड़ोसी है इसे पहली गोली को मत चलाना, लेकिन यदि एक गोली भी यदि चल गई तो फिर उसके बाद अपनी गोलियों को गिनना मत बहन भाइयों, यह सिलसिला आज तक हिंदुस्तान की धरती से समाप्त होकर रहेगा। मेरे भाई होकर रहे, गरीबों का खून चूसते हैं ये, गरीबों का खून चूसते हैं ये नक्सलवादी नेता, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं और गरीबों का खून चूसते हैं, और ये गरीबों के हितैषी बनते हैं। जिन क्षेत्रों में हम विकास कार्य करना चाहते हैं उन क्षेत्रों में विकास नहीं करने देते, जाओ गरीब भाइयों को भी बताओ हम तुम तक पहुंच, सरकार तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचना चाहती है, ये नहीं पहुंचने दे, दावा पैदा करने की कोशिश करते हैं लेकिन पहुंच के हम रहे। ऐसी सरकार कभी सोची है आपने? ऐसा कोई प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री झाड़ू लगाएगा, राष्ट्रपति को भी कहेगा झाड़ू लगाओ, गवर्नर को भी कहेगा झाड़ू लगाओ, मंत्री को भी कहेगा झाड़ू लगाओ, स्वच्छता करो, स्वच्छता अभियान को सत्याग्रह के रूप में कल्पना कर सकते हैं? क्यों कहता? वह जानता है कि स्वच्छाग्रह, स्वच्छता
यह स्वास्थ्य की जान है, यही पर जान है स्वास्थ्य। गरीब में भी घर जाए, आप यहीं के गंदे मोहल्ले में रहने वाले होंगे, ज्यादा लोग बीमार होंगे। बीमारी की क्या, इसलिए करता, किनके लिए करता, आपके लिए करता। स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी ने भी चलाया, इन्हीं सरकारी हकीकतों को समझकर ही चलाया था, और क्यों चलाया। और इतना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसके लिए? क्या उन्होंने कहा फलाक आपकी बेटी को बचा लो और उसको पढ़ा लो और फला किसी दूसरे कौम की बेटी को बर्बाद कर दो? किसने कभी सोचा है? क्या कोई सरकार इस प्रकार के सामाजिक आंदोलनों को भी अपने हाथ में ले सकती है? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है बहनों भाइयों, कि हम केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते रहे हैं, बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहे हैं। नॉट ओनली एज ए पोलिटिकल वर्कर बट एज ए सोशियो पोलिटिकल वर्कर, यह हमारा चरित्र। सबको घर घर भेज के इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत टीका लगा रहे हैं, क्या सोचा है कभी? मालूम है आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 330 रुपये आप साल में जमा करना, 330 रुपया जमा करना, आपकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तब भी आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा 18 से लेकर 50 साल की उम्र, केवल 18 से लेकर 50 साल। परिवार में किसी की यदि मृत्यु हो गई तभी आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 महीना में 1 रुपया आपको भी नहीं जमा करना, बैंक में अकाउंट है, बीमा कंपनी वालों के पास अपने आप चला जाए। यदि किसी की डेथ हो गई तो 2 लाख रुपया परिवार के लोगों को मिल जाए। मान लीजिए वो एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई, आई हो गया, तब भी उसको 1 लाख रुपया मिल जाए। अरे कौन सोचे, किसने सोचा? आजादी के 70 वर्ष पूजा जाने के बाद भी लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंची, हम पहुंच गए। जहां के देखो लगभग हजारों गांव ऐसे पड़े, बिजली की रोशनी कैसी होती है कभी विभिन्न में देखा नहीं, वह उनका पहुंच रहा है। गरीब माताओं बहनों को भी लकड़ी जलाकर खाना न पकाना पड़े, उनके फेफड़े जल्दी कमजोर न हो जाए, उनका स्वास्थ्य जल्दी खराब न हो जाए, उनको मुफ्त में या कम दर पर गैस सिलेंडर पहुंचा दो, चूल्हा कौन करे? क्या यह बात है? किसान भाइयों, आपकी यूरिया की कीमत, खाद यूरिया की कीमत पहली बार इस आजाद भारत में कम हुई है, नहीं तो लगातार यूरिया खाद की कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी। और यह बातें सारी मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे बहनों, बहुत कुछ सोच समझ नौजवानों के रोजगार के बारे में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा था, लेकिन आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भारत गजब का देश है, गजब का देश है। यहां के रहने वाले लोग बहुत ही बड़े मन के लोग हैं, छोटे मन के लोग भारत में नहीं। देखा है भारत में रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल अपने परिवार के लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, अपनी जाति के लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, अपने देश भारत में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि इस विश्व की धरा पर रहने वाले सभी जाति सभी मजहब सभी देशवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि दुनिया की किसी देश की धरती के तारी दुनिया को गया है तो केवल और केवल बहनों भाइयों हमारे और आपके देश भारत देश की धरती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत साक्षात कभी हम कुछ लगाने के लिए यह सब सरकारी अपेक्षाएं रही होगी जब वीर कुंवर सिंह जैसे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पढ़ा है, आजादी के पहले भी था पढ़ा है, अंकुश बनाने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया, व्यवस्थाओं में पारदर्शिता कैसे लाई, कुछ लोग छोड़ के पहले चले जाते थे,
संपत्ति का यहां कुछ नहीं होता। अब हम लोगों ने आर्थिक भगोड़े के भगोड़ों के लिए आप ही देखा होगा कि अध्यादेश जारी कर दिया है। जो भी घपला करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला देश छोड़कर जाएगा, हिंदुस्तान की सारी संपत्ति उसकी जब्त कर ली जाएगी। यह फैसला भी होगा क्या चाहते हैं भाइयों? बहुत सारी बातें रही है भारत को कमजोर करने। इस समय दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि है किसी देश की, तो भारत की है। तो भाइयों, क्या मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया का हर अर्थशास्त्री सच्चाई को स्वीकार करता है। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन की ग्रोथ रेट यदि कहेंगे तो यही भारत की। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, आजादी के 70 वर्ष गुजर जाने के बावजूद होता क्या? रक्षा, डिफेंस, हमारे सेना के जवानों के लिए, हमारे सीएपीएफ के जवानों के लिए, हमारे सुरक्षा के जवानों के लिए बहुत सारे ऐसे हथियार थे, साजो सामान थे, जो दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है और यह काम शुरू हो गया है 3 साल से। कुछ ही दिनों में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि अब हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों को जिन हथियारों का प्रयोग करना होगा वह विदेशी नहीं होंगे, बहनों भाइयों, हमारे और आपके घर के स्वदेशी होंगे। ऐसे हालात तभी जाकर वीर कुंवर के स्वप्न का भाव साकार हो। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, क्या सचमुच यदि वीर कुंवर सिंह जैसे सूरवीर के पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हो, बात को भारत को सशक्त, स्वावलंबी और सहकारी भारत बनाने का संकल्प देगा। मैंने कहा ना, वीर कुंवर सिंह केवल जगदीशपुर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जगदीशपुर की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वह भारत जो जगत गुरु के पद पर था उसकी आजादी की लड़ाई वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारत को सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत बनाए। इन्हीं शब्दों के तहत मैं पुनः उनकी स्मृति के प्रति हृदय की गहराइयों से आस्था व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।